हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास बुक चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 8 चैप्टर 16 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 16.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स इन द फॉलोइंग एंड गिव रीजन फॉर द स्टेप इन्वॉल्व। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लेटर्स। हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, लेटर्स की। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या लिखा है, ए है और बी है, तो हमें इन लेटर्स की वैल्यू फाइंड करनी है और फॉलोइंग एंड गिव द रीजन फॉर द स्टेप्स, और हमें रीजन देना है हर स्टेप का कि हमने वो स्टेप क्यों किया। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, 3a 2 5 plus b 1 2। अब हमें इसको क्या करना है, ऐड करना है। जब हम इसको ऐड करते हैं, यानी कि मुझे 5 में कुछ ऐसा ऐड करना है कि मेरे पास 2 आए, तो कैसे कर सकते हैं। हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 तक क्यों, क्योंकि क्या है, सिंगल डिजिट नंबर, और यहाँ पे ए क्या है, सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि एक ही डिजिट है, यानी कि ए में पहले हमें 0 पुट करूँगा तो 0 प्लस 5 5 होता है तो 2 नहीं आ रहा है। फिर 1 चेक करूँगा तो ए, यानी कि 1 प्लस 5 तो 6 आता है, 2 नहीं आता है। फिर 2 पे जाऊँगा, फिर 2 प्लस 5 तो नहीं आ रहा है। फिर 3 पे जाऊँगा, 3 प्लस 5 8 आता है तो 2 नहीं आ रहा है। फिर 5 पे जाऊँगा, फिर 6 पे जाऊँगा, फिर 7 पे जाऊँगा तो ये 6 पे भी नहीं आएगा, 7 तो कहाँ पे आएगा, 7 पे। अगर मैं 7 प्लस 5 करता हूँ क्या होता है, 7 प्लस 5 12 होता है, यानी कि 2 आ रहा है मेरे पास, 2 आ रहा है, और जो 1 है ये वो कहाँ जा रहा है, कैरी। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 एक जगह मैंने क्या पुट किया, 7 यहाँ पे आया, 2 यहाँ पे आया, 5 तो 7 और 5 12, 2 कैरी 1, 3 और 1 4 4 और 2 6। तो क्या ये हमारे पास वैल्यू, ए की वैल्यू आई हमारे पास 7 और बी की वैल्यू हमारे पास आई 2। एक बार हम उसको फिर से देखते हैं। हमें यहाँ पे क्वेश्चन देखा है 3a 2 5 and plus b and 2। जब हम a एंड 5 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या बनता है, 2, और 2 कैसे बनेगा, जब हम 5 में क्या ऐड करेंगे, 7, और कोई सी और डिजिट ले ले वो भी सिंगल डिजिट, तो यहाँ पे 2 नहीं बनता है। तो मैंने 7 लिया यहाँ पे, तो 7 प्लस 2 क्या, 7 प्लस 5 12 बना, 2 और कैरी 1, तो क्या यहाँ पे 3 और 1 4 4 और 2 6, तो यहाँ पे आया 62। जब हमने 37 को 25 से मल्टीप्लाई ऐड किया तो क्या आया, 62। तो हमारी ए की वैल्यू क्या आई, 7, क्योंकि यहाँ पे ए था तो 7 है, और बी की वैल्यू क्या आई, 6, तो यहाँ पे आया 6। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इस क्वेश्चन में हमें सेम वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या देगा हमें, 4a 98 को हमें प्लस करना है, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है CB3। तो हमें ए बी एंड सी की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब यहाँ पे चेक करते हैं, 8 में हम क्या ऐड करें कि 3 आए, 0 करेंगे तब 8 आएगा, 1 करेंगे 8 में ऐड तो क्या देगा, 9 आएगा, 2 करेंगे 10 हो जाएगा, 3 करेंगे तो क्या आएगा, 11 हो जाएगा, 4 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 5 करेंगे तो 13 हो जाएगा। यानी कि हम अगर 8 में ए है, यहाँ पे ए और 8 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, अगर मैं ए की जगह क्या पुट करता हूँ, 5, तो क्या आता है, 13, 3 मिल रहा है मुझे, यानी कि 3 मिल रहा है, और 1 क्या जा रहा है, कैरी। यानी मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे, 4 ए की जगह क्या लिखूँगा, 5, एक जगह मैंने 5 पुट किया, यहाँ पे 9 का 9 8 का 8, तो क्या जाएगा, 13 3 कैरी 1 9 एंड 4 13 और 1 14, तो क्या आएगा, 14। अब एक बार फिर से देखते हैं, मैंने यहाँ पे 8 में मुझे कुछ ऐड करना है कि मेरे पास 3 आए, तो क्या करा मैंने, 5 को और कोई सिर्फ डिजिट ले लो, तो यहाँ पे आपको 3 नहीं मिलेगा, सिर्फ 5 ही मिलेगा। तो यहाँ पे 8 plus 8 8 plus 5 13, तो 3 यहाँ पे आ गया, 1 कैरी चला गया, 4 and 1 5 5 4 9 14। तो हमारी ए की वैल्यू क्या आई, 5, बी की वैल्यू क्या आई, 4, यहाँ पे बी था तो बी है, और सी की वैल्यू क्या आई, 1। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या देगा मैं, 1a मल्टीप्लाई a, जो उसका आंसर निकला, रिजल्ट निकला, क्या निकला, 9a। तो हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ लेटर, मतलब a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आपको कोई ऐसा नंबर यहाँ पे पुट करना है जिसको उसी से मल्टीप्लाई करके वही नंबर आना चाहिए। जैसे मैं अगर मैं a की जगह 1 पुट करूँ, 1 यहाँ पे 1 है, और a की जगह मैंने क्या पुट किया, 1 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई एक जगह 1। जब यहाँ पे a मैंने 1 लिया, जब मैंने a को इक्वल टू 1 लिया, तो एक जगह सब जगह मैं 1 1 पुट करूँगा,
वन वन। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या हमारा आंसर सही है। वन वन जा वन, तो वन आ रहा है, फिर वन वन जा वन, तो यहाँ पे वन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है नाइन, तो यानी कि हम एक की वैल्यू वन नहीं ले सकते। फिर हम टू पे चलते हैं, अगर मैं टू रखूँ यहाँ पे एक की जगह, तो टू टू जा फोर आता है, लेकिन यहाँ पे भी वही नंबर आना चाहिए जो हम नंबर यहाँ लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ए है ए है ए है। अगर मैं यहाँ पे टू रखता हूँ टू टू, तो टू टू जा फोर होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे टू चाहिए टू, तो यहाँ पे भी टू ही आना चाहिए। फिर हम थ्री पे जाएंगे, तो थ्री थ्री जा नाइन होता है, अगर मैं थ्री रखूँगा तो थ्री थ्री जा नाइन होता है, यानी कि ये इससे भी नहीं होगा। फिर अब मैं यहाँ पे फाइव रखता हूँ, तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव, तो फाइव आ रहा है, मतलब यहाँ पे सही आ रहा है, फाइव फाइव आ रहा है और फाइव आ रहा है और टू कैरी जा रहा है, तो फाइव टू जा टेन और टू ट्वेल्व, लेकिन यहाँ पे क्या है नाइन है, तो ये भी नहीं हो सकता। फिर हम किस पे जाएंगे, अगर मैं हमने वन चेक कर लिया, टू चेक कर लिया, थ्री चेक कर लिया, फोर चेक कर लिया, फाइव चेक कर लिया, अब करते हम सिक्स को चेक करते हैं, तो सिक्स रखेंगे सिक्स, यहाँ पे क्या है नाइन, यहाँ पे नाइन है, सिक्स सिक्स थर्टी सिक्स, यानी कि सिक्स आ रहा है और कैरी थ्री आ रहा है, सिक्स वन जा सिक्स और थ्री नाइन, तो हमारा सॉल्यूशन आ गया। यानी कि ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी सिक्स, क्योंकि सिक्स को सिक्स से मल्टीप्लाई करके लास्ट डिजिट क्या आती है सिक्स आती है और कैरी थ्री जाता है, तो सिक्स वन जा सिक्स और कैरी थ्री को ऐड करेंगे तो नाइन बनेगा। इसका मतलब क्या है, ए की वैल्यू क्या आ गई इक्वल टू सिक्स। हमने किस तरह सॉल्व किया, पहले हमने यहाँ पे वन वन पुट किया, तो वन वन जा वन तो आ रहा है, लेकिन वन वन जा यहाँ वन नहीं है, यहाँ पे नाइन है, तो वन ये नहीं हो सकता। फिर हमने टू को पुट किया, तो टू को टू से मल्टीप्लाई करके फोर आता है, सेम डिजिट नहीं आती है। हमने फाइव को पुट किया, तो फाइव फाइव जा ट्वेंटी फाइव तो आ रहा था, लेकिन टू कैरी जाने के बाद फाइव वन जा फाइव और फाइव वन जा फाइव और टू सेवन आ रहा था, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, ए की वैल्यू सिक्स। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर थ्री भी समझ आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी एंड ए, तो हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, ए की बी की एंड ए की। अब मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है जिसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर ए ही आना चाहिए, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो सेम आनी चाहिए। अब दो केस हो सकता है, किस तरह से, अगर मैं कुछ वैल्यू पुट करता हूँ और उसको ऐड करने के बाद कैरी भी जा सकता है और कैरी नहीं भी जा सकता है। एक तो यहाँ पे कैरी भी जा सकता है और कैरी नहीं जाता। अगर यहाँ पे कोई नंबर बड़ा हुआ जैसे 5 हुआ, तो 5 और 7 कितना हुआ 12, 5 एंड 7 12 हुआ, तो 2 आएगा और कैरी 1 चला जाएगा। अगर मैं 2 पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 2 ही पुट करना पड़ेगा, क्योंकि जो यहाँ पे रखूँगा मैं सेम यहीं पे रखूँगा। इनके इसमें दो स्टेप होंगे, एक कैरी वाला और एक विदाउट कैरी वाला। तो हम एक बार देखते हैं कि अगर इसमें कैरी नहीं आता, अगर बी की वैल्यू 1 हुई तो 6 7 और 1 कितना होगा 8, अगर बी की वैल्यू 1 हुई तो 7 1 8 होगा, यानी कि कैरी नहीं जाएगा। लेकिन अगर बी की वैल्यू 4 हुई तो 4 एंड 7 11 होता, तो 1 ही आएगा और 1 कैरी जाएगा। तो इसमें दो केस हो सकते हैं, बी की वैल्यू 4 से छोटी भी हो सकती है और 4 से बड़ी भी हो सकती है। तो हम पहले चलते हैं कि अगर बी की वैल्यू 4 से छोटी है तो यहाँ पे कैरी नहीं जाएगा, तो क्या होगा। अगर यहाँ पे कैरी नहीं गया तो 3 में क्या ऐड करूँगी, 6 आए। अगर कैरी नहीं गया तो मैं 3 में क्या ऐड करूँगा, 3 ऐड करूँगा, यानी कि एक ही जगह में क्या करूँगा 3, और यहाँ पे ऑलरेडी क्या है 3। अगर ये तब हो रहा है जब हम कैरी नहीं ले रहे हैं, 3 पुट किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे 3 ऑलरेडी है, प्लस का प्लस नीचे 3 और 3 6 बन रहा है। फिर बी का बी 7 का 7 और यहाँ पे क्या बन रहा है ए है, यानी कि 3 पुट किया तो यहाँ पे भी 3 आएगा। और कोई ऐसा नंबर जहाँ पे बी को 7 साथ पुट करने में 3 आए तो क्या होता है 6। अगर मैं B को 6 पुट कर दूंगा 6 तो क्या आएगा 7 एंड 6 13, लेकिन 1 कैरी जाएगा उसमें, और हमने यहाँ पे क्या लिया जब कैरी नहीं जाता है, तुम्हारा ये आंसर रॉन्ग हो गया। अब हम चलते हैं अगर कैरी पुट होगा, यानी कि इसमें कैरी होगा क्योंकि था विदाउट कैरी वाला। अब देखते हैं कैरी वाले को सॉल्व करके जब हम इसमें कैरी लेंगे। अगर मैं इसमें कैरी लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ए ऑलरेडी है, 3 है, बी है, 7 है और यहाँ पे ए है। अब अगर मैं कैरी लेता हूँ 1, तो ए की वैल्यू क्या होगी कि मेरे पास 6 आए, 3 और 1 4, यानी कि और कितने चाहिए 2, यानी कि ए की वैल्यू क्या आएगी 2, तो एक जगह मैं 2 रखूँगा, 3 और 2 या प्लस है 5, 5 और 1 6 हो गया। अब मैंने यहाँ 2 पुट किया तो यहाँ पे भी 2 पुट करूँगा, क्योंकि जो हम वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे वही यहाँ पे, क्योंकि ए और ए सेम है, तो यहाँ पे क्या 2।
अब मुझे बी की जगह कुछ ऐसा फाइंड ऐसा पुट करना है कि 12 कि 12 आए, क्योंकि वन कैरी गया है और टू यहाँ पे, वो कौन सा होता है, फाइव होता है, यानी कि बी की जगह मैं क्या पुट करूँगा, फाइव। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, फाइव प्लस सेवन ट्वेल्व, टू कैरी वन, टू और वन थ्री, और थ्री सिक्स, तो मेरे पास आया 62। तो मेरे पास ए की वैल्यू कितनी आई, टू, और बी की वैल्यू कितनी आई, फाइव। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। एक बार हम इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो केसेस है, एक कि कैरी आएगा और कैरी नहीं आएगा। तो हमने पहले कैरी वाला सॉल्व किया कि जब हम कैरी नहीं लेंगे, तो यहाँ पर देखते हैं जब हमने कैरी नहीं लिया था तो ए की वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे सिक्स अगर कैरी नहीं लेंगे तो ए और थ्री को जोड़ के क्या आना चाहिए, सिक्स। अगर हम कैरी नहीं लेंगे तो ए और थ्री को जोड़ के क्या आना चाहिए, सिक्स। तो ए की वैल्यू क्या होगी, थ्री। अगर मैं थ्री लिखता हूँ और नीचे भी थ्री है प्लस यहाँ पे सिक्स है तो सिक्स आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी क्या आना चाहिए था, फिर थ्री आना चाहिए था, और यहाँ पे सेवन है तो बी की जगह, और बी की ऐसी वैल्यू इस सेवन के साथ जोड़ने पे थर्टी नाइन, वो कौन सा होता है, सिक्स होता है। लेकिन जब इसको ऐड करके थर्टी नाइन आएगा तो वन कैरी आएगा, लेकिन हमने केस कौन सा लिया, जब कैरी नहीं होगा तो ये वाला केस नहीं होगा यहाँ पे। लेकिन जब हम लेते हैं जब इसमें कैरी लेंगे हम, तो हम मैंने ऑलरेडी कैरी ले चुका हूँ, तो वन एंड थ्री फोर, तो मुझे ए की वैल्यू क्या पुट करने की, सिक्स आए, जो मैं ऑलरेडी कैरी ले चुका हूँ, वन एंड थ्री फोर हुआ, और ये टू फोर एंड टू सिक्स हुआ, मैं कैरी ले चुका हूँ। तो मुझे यहाँ पे सेवन की ऑलरेडी वैल्यू गिवन थी, तो सेवन में मैं क्या पुट करूँ, मैंने जब यहाँ पे टू पुट किया तो यहाँ पे मैं टू लिखूँगा क्योंकि ए, यहाँ पे भी ए लिखा मैंने, तो यहाँ पे सिक्स करके हमारा सॉल्व आ रहा है, क्योंकि थ्री प्लस टू फाइव और वन सिक्स, यहाँ पे सॉल्व करके आ रहा है। फिर यहाँ पे सेवन है तो यहाँ पे टू मैंने पुट कर दिया, तो सेवन में क्या ऐड करूँ कि टू आए, फाइव, क्योंकि फाइव और सेवन ट्वेल्व होता है, तो ट्वेल्व यहाँ पे हम कैरी ऑलरेडी ले चुका है। तो हमारी ए की वैल्यू क्या आई, टू, और बी की वैल्यू क्या आई हमारे पास, फाइव। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। आपको इसे एक दो बार प्रैक्टिस करना है तो आपको ये ढंग से आ जाएगा। अब हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।